कौन है भैया बकायदा थाने वाले बना ली, मतलब भाई साहब जीके लगे बड़ा वाला फोन है हुआ। वो भैया उत्ता बड़ा पत्रकार हुआ, हमरा काम है खत्म कर दी, ना बुलाना ना सुनाना। वैसे भाई साहब बेचारी बहुत परेशान थी, 50,000 रुपए ससुराल वाले मांग रहे थे, थाने वाले भाई साहब दबाव बनाकर वीडियो बनाने लगे, अपनी समस्या बेचारी हमको बताने लगी। सुनिए जरा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं झुकोर के चिनेट थाने के रहता हूँ, थाना चिनेट है। मेरी लड़की बिरहरा में ब्याही है। मेरा नाम कौन सा गांव है? बिरहरा। कहाँ पड़ता है? सदीपुर के पास। थाना? थाना जांगराबाद। क्या हुआ? हमें ससुराल वालों का बहुत परेशान कर रहे हैं। नाम क्या है पति का? अयूब। ससुर? ससुर? ससुर का नाम कयूम। क्या करते हैं? खेती करते। कब शादी हुई थी? 1.5 साल पहले। तो अब क्या हुआ? बहुत उनका परेशान करें। कहाँ परेशान करें? दहेज के लिए हमका बहुत परेशान कर रहे हैं। कहाँ मांगते हैं? 50,000 रुपए। तो शादी कब हुई रहे? 1.5 साल पहले। तो कहाँ हुआ रहा? टाइम नहीं दे रहा होगा? हमने सारा दहेज दिया था, वो तो तरीके से टीवी फ्रिज अलमारी और वॉशिंग मशीन सब दिया था हमने। हाँ। दहेज में कुछ बाकी नहीं रखा। यही तो भैया जुलम हुआ कि तुम बताओ ना सुनाओ, सीधे दहेज दे डाले हो। तभी तो भैया 1.5 साल बाद फिर परेशान करे ला कि ले जाओ बिटिया का अपनी, नहीं तो मारे पीटा, या तो भाई साहब 50,000 रुपया दो। आगे सुनियो कलेजा काप उठी। हाँ। तो फिर भी इसको परेशान कर ले, 1.5 साल बाद तक आराम इसको नहीं मिला। अब क्या हुआ, आज कहाँ से आए हुआ? हाँ, तुम जांगराबाद थाने, कल हमें बुलाया था जांगराबाद थाने, दोपहर में गए हम और शाम तक बैठे रहे। अभी लड़की बुला रहे तभी बुला रहे, शाम को हम 7 बजे लौट के आए हैं और भी फिर सुबह जांगराबाद गए हैं और लड़की को लेके आए तो मैं यहाँ तक ले गया और जबरदस्ती वहाँ लिखवा लिया गया है। कहाँ? जांगराबाद थाने में। क्या? कि लड़की को लिए जा रहे हैं और इसके दबाव में इन्होंने कुछ बोलने मना कर दिया, कुछ बोल नहीं पाए। क्या किया था तुम तुम्हारे साथ उन्होंने घर में? बहुत मारे पीटी नमरा। कब? रोज मारा पीटे थे। काहे के लिए? कोई बात शुरू हो तो? हाँ, दहेज के लिए, अपने घर वाले जो 50,000 रुपए लेके आओ। और कुछ आरोप लगाओ तो नहीं है, कुछ जरूरी पैसे तो है? हाँ, वही काम हम ना करो तो बहुत मारत है। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, तबीयत खराब है बहुत। कहा होगा? बुखार है कब तक से? बाप रे भैया, बुखार का नाम ना लो, कोरोना कहूँ ना आ जाए। वैसे भाई साहब पहले तो जाए के चेकअप करवा लो कि कोरोना सुरोना तो नहीं है, लेकिन भाई साहब ससुराल वाले बड़े जालिम है। ऊपर से थाने वाले भाई साहब बताओ वीडियो बनावा तो लिखत है, सुने रान की मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जिया उड़ाए पड़े। काम हम करन नहीं है तो बहुत मार पीट। एक हफ्ता बुखार, जांच वार नहीं करा इन समय कोरोना वोरोना चल रहा? नहीं, दवा तक तो लाए के दी नहीं। तो अब पापा के साथ जा रहे हो अपने? थाने में कहा लिखवाए? थाने में जबरदस्ती से बुलवाई। का खाना पीना दे नहीं, बहुत मार पीटे थे, वहाँ लिखवा रही जबरदस्ती कि बंद नहीं करे रहे, खाना वाना सब दे रहे हैं, जबरदस्ती लिखवाई हमसे, मैं बुलवाई वहाँ वीडियो बनाई जबरदस्ती को थाने वाले में बैठे रहे। तो मतलब सब अच्छा रहा तुम्हारे साथ? हाँ, जबरदस्ती बुलवाई मैं ससुर। अच्छा। खाली हाथ भेज दिए, कुछ दिन भी नहीं, कोई सामान वामान नहीं लाया? कोई सामान नहीं, सारे जेवर ले लिए हमसे, कपड़ा तक तो एक दिन नहीं। तो थाने से ही आए हो अपने पिताजी के साथ? जाए तो अब कहाँ ले जाए इनका? अब अपने घर ले जाएंगे जुगौर। जुगौर? तो उसके बाद तुम्हें कोई ऊंचे अधिकारी का बताओ? उसके बाद देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है, जान तो छुड़ाना है इसका। पहले की जांच वांच कराओ जाए, हो सके भाई तुम्हें बुखार उखार है। जाओ भैया जाओ, पहले जांच वाँच कराओ, तबियत देखो कैसी है। वैसे भाई साहब थाना जाने में तो हमको भरोसा ही नहीं रहा, जब ऐसे भाई साहब कारनामे होंगे तो हमारा तो कलेजे का उठेगा। भैया हम तो थाना नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।